मैडम आपकी वजह से ये पकड़ा गया है। थैंक यू वेरी मच। ये सब गलत हो रहा है, आप ऐसे कैसे पकड़ के ले जा सकते हैं? एक IFS ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश की गई है। लाओ इसे गाड़ी में, शुक्ला जी के लल्ले को। बैठा नहीं पाओगे एक दिन से ज्यादा हमारे लौंडे को, आएगा तभी तुम लोग के बाप का फोन। इसलिए कह रहे हैं यह जो मसला है बातचीत करके सुलझा दो। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनो। देखिए कुछ ले दे के मामला सुलझा लेते हैं ना। अरे हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, अरे छोड़ दीजिए ना लौंडे को। आप अलाना लेके। अरे शुक्ला जी कुछ बोलिए। रुको, इनको अपना काम करने दो शुक्ला, हम अपना काम करके दिखाएंगे। राधे चिंता मत कर। रह तिलोके, निकाल गाड़ी और मंत्री जी का फोन कर। लंदन जाने वाली फ्लाइट रवाना होने के लिए तैयार है। मिस्टर प्रशांत कुमार, मिस कृष्णा दुबे, प्लीज अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें। कमर टूट गई लेकिन अकड़ नहीं गई। अब पड़े रहो यहीं पे। साला
हमारी तो दो दो चाय हो गई है सवेरे में। लो कागज पत्री ले रख दो। जी जी आज तक जो हुआ सो हुआ, हम ही लोग गलत थे जो शुक्लाओं में अपनी लड़की दे दी। खैर जो होना था हो गया। ये बिट्टो के लंदन जाने के कागज हैं। अरे बहुत सारा काम करना है और 3-4 दिन बचे हैं। जी जी अरे दिल्ली जाके वीजा लगाना है, मेरे तो अभी से हाथ पांव। अरे नहीं नहीं भैया, बिट्टो को मेरे हाथ के बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं लंदन में बेसन के लड्डू मिलते होंगे कि नहीं। जी जी 2 महीने के बाद वहाँ सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, इसके लंदन जाने से पहले इसके गर्म कपड़े निकाल देना। कृष्णा कृष्णा बेटा ये ले बेटा। बिट्टू बेटा ये देख, तेरे लंदन मेडिकल कॉलेज के पेपर हैं, इन पेपर्स पे तेरे साइन चाहिए, आज ही भेजने हैं ना लंदन। ले बेटा साइन कर। पापा ले साइन कर बेटा यहाँ। पापा प्लीज। अरे बेटा यहाँ साइन कर जल्दी से, भेजना है। पापा ये सब 2-3 दिन रुक नहीं सकता। क्यों क्यों रुकना है बेटा, वैसे ही कितना लेट हो गया है उस राधे की वजह से। ले पापा रिश्ता खत्म हुआ है हमारा, थोड़ा टाइम तो दे दीजिए प्लीज। बेटा तुम्हारा ख्वाब था ये, तुम्हारा सपना, इसकी वजह से तुम मुझसे लड़ी थी याद है ना, और इसी की वजह से तुम शादी से भागी थी। फिर हमारी शादी हो गई, हम मन ही मन तड़पते रहे, वो खुद को कोसते रहे, राधे से कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। फिर भी वो आदमी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, अपने परिवार से भिड़ने लगा, हम मुंह मोड़ते रहे, फिर भी पापा पता नहीं कैसे हमें उस आदमी से प्यार हो गया। अरे कौन है भाई, दरवाजा तोड़ डालोगे? कौन है? अरे भाई साहब कृष्णा कहाँ है? हमें कृष्णा से मिलना है। कृष्णा आपसे नहीं मिलेगी बस। देखिए बुआ जी, माता जी बहुत परेशान है, हम 100 की स्पीड में मोटरसाइकिल भगा के इनको यहाँ लेके आए हैं, प्लीज मिलवा दीजिए ना प्लीज। बहन जी शुक्लाओं से हमारा रिश्ता खत्म, हमारी बच्ची का पीछा छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से, चलिए। हम कृष्णा से मिले बगैर नहीं जाएंगे। कृष्णा 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 हम तुमसे मिले। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे इसको नीचे रखिए, आप नीचे रखिए इसको। ऐसे तो हम नहीं जाएंगे दुबे जी, और कृष्णा से मिले बगैर तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए चाकू, ये हमारे हाथ में चाकू देख रहे हैं आप, इसे हम उसको ही घोंप लेंगे। वरना आप दोनों में से किसी को घोंप देंगे। देखिए ये क्या जबरदस्ती है, आप इसको नीचे कीजिए बहन जी। नीचे 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 को बुलाओ। मम्मी जी अरे लग जाएगी, आप नीचे कीजिए इसको। हम क्या कह रहे हैं दुबे जी, कृष्णा को बुलाओ। पापा ये सब क्या हो रहा है? बेटा देखो मान ही नहीं रही है, चाकू उठा ली। हमने जब मना किया तो जबरदस्ती करने लग गई, धमकी दे रही है। नहीं बहन जी, बहन जी नहीं,
देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती बहन जी। कृष्णा, जिस दिन से हमारे लल्ला और तुम्हारी शादी हुई, न वो खुश रहा न तुम। हम जानते हैं बेटा, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, है ना? हम इस बात को भी समझते हैं कि तुम्हारी सोच अलग है, हमारे लल्ला की सोच अलग है। आज हम तुम्हारे सामने तुम्हारी सास बन के नहीं, अपने राधे लल्ला की मां बन के अपना ये आंचल फैला रहे हैं तुम्हारे सामने बेटा, तुमसे भीख मांग रहे हैं, हमारे लल्ला को जेल से छुड़वा दो। हमारे लल्ला को जेल से छुड़वा दो कृष्णा। वकील साहब कह रहे थे कि हमारे लल्ला की बेल भी नहीं हो पाएगी, 10 साल वो जेल से नहीं छूट पाएगा हमारा बच्चा। उसे माफ कर दो, अपने इम्तिहान में भी पास हो गई हो, है ना? और तुम्हें तो अपने रास्ते जाना ही है। लेकिन जाते जाते हम पे ये एहसान कर दो बेटा, हमारे लल्ला को जेल से छुड़वा दो, हम पे दया करो, हम तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं कृष्णा, हम पे रहम करो बेटा, हम पे रहम करो। हमारे लल्ला को भाई झोली में डाल दो। अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।